टीचर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास वन की जनरल नॉलेज के चैप्टर नंबर 5 नमाज के बारे में पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए अच्छी अच्छी चीजें पैदा की हैं। इन चीजों के लिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हम उसकी इबादत करते हैं। नमाज पढ़ना अल्लाह ताला की इबादत है। हम दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने से पहले साफ सुथरा होना जरूरी है। साफ सुथरा होने के लिए वजू किया जाता है। नमाजों के नाम: फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। मुसलमान मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। मस्जिद में लोगों को बुलाने के लिए आजान दी जाती है। दूसरे मजहब के लोग भी इबादत के लिए अपनी अपनी इबादत गाहों में जाते हैं। हमें तमाम लोगों की इबादत गाहों का एहतराम करना चाहिए। हिंदू मंदिर में इबादत करते हैं, मसीह चर्च में इबादत करते हैं, सिख गुरुद्वारे में इबादत करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आज के लेसन को समझने के लिए एक अहम वीडियो देखते हैं। The five prayers. फजर सुबह सबसे पहली नमाज है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। दो रकत सुन्नत, दो रकत फर्ज। फजर के लिए रोजाना इनका हुक्म है। नाफरमानों के लिए कोई नमाज मुश्किल नहीं है सवाए फजर और इशा की नमाज के, लेकिन अगर वो इन नमाजों के फजाइल को जान लें तो फिर ये यकीनन मस्जिद में जाएं और नमाज अदा करें, चाहे इन्हें रीगना ही क्यों ना पड़े। जोहर दोपहर को पढ़े जाने वाली नमाज है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। 4 रकत सुन्नत, 4 रकत फर्ज, 2 रकत सुन्नत। नमाज जोहर के लिए इनका रोजाना हुक्म है। पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जोहर की नमाज में पहले और आखिर में सुन्नत पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये इन्हें दोजख की आग से बचाती हैं। असर दोपहर के बाद अल्लाह के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज है। 4 रकत सुन्नत, 4 रकत फर्ज। नमाज असर के लिए रोजाना इनका हुक्म है। अगर एक शख्स असर की नमाज अदा नहीं करता तो इसकी इस दिन की तमाम नेकियां मिटा दी जाएंगी और जाया कर दी जाएंगी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम असर की नमाज अदा करें। मगरिब सूरज गुरूब होने पर अल्लाह के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज है। 3 रकत फर्ज, 2 रकत सुन्नत। मगरिब के लिए इनका रोजाना पढ़ना हुक्म है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सूरज गुरूब हो जाए अपने बच्चों को घरों में रखो, क्योंकि इस वक्त शैतान बाहर होते हैं। जब रात का 1 घंटा गुजर जाए तो तुम इन्हें जाने दो। इशा रात को पढ़ी जाने वाली 5वीं नमाज है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है। 4 रकत सुन्नत, 4 रकत फर्ज, 2 रकत सुन्नत, 3 रकत वितर। ये हुक्म है जो आप रोजाना इशा में पढ़ते हैं। एक शख्स जो इशा की नमाज बाजमात अदा करता है, इसका सवाब आधी रात इबादत में गुजारने के बराबर है, और जो भी फजर की नमाज बाजमात अदा करे, इसका सवाब पूरी रात इबादत में गुजारने के बराबर है। Thank you.
मुझे उम्मीद है आप सबको आज के लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के लेसन को मजीद समझने के लिए एक और वीडियो देखते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो देखकर आज के लेसन की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब हम कुछ सवालात के जवाब जानते हैं। हम रोजाना कितनी नमाजें पढ़ते हैं और इनके नाम क्या हैं? सब बच्चे बताएं, हम दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? शाबाश, बिल्कुल, हम दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं। आइए अब हम सब नमाजों के नाम जानते हैं। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। प्यारे बच्चों, एक और सवाल का जवाब जानते हैं। मुसलमान कहाँ नमाज पढ़ते हैं? सब स्टूडेंट्स बताएं कि मुसलमान नमाज कहाँ पढ़ते हैं। वेल डन, तमाम मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। प्यारे बच्चों, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदू किस जगह इबादत करते हैं? सब बच्चे बताइए कि हिंदू किस जगह इबादत करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, हिंदू मंदिर में इबादत करते हैं। अब मैं आपको एक और सवाल का जवाब बताती हूँ। सिखों की इबादत गाह का क्या नाम है? सब बच्चे आज के लेसन को माइंड में लाएं और बताएं कि सिखों की इबादत गाह का क्या नाम है। बिल्कुल सही, सिख गुरुद्वारे में इबादत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम कुछ MCQs देखते हैं। मुसलमान दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सब स्टूडेंट्स बताएं कि मुसलमान दिन में कितनी नमाजें पढ़ते हैं। एक्सीलेंट, मुसलमान दिन में 5 नमाजें पढ़ते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।